हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके रिमोट पे सोर्स का बटन नहीं है और फिर भी आप अपने पेन ड्राइव या यूएसबी को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो आप देख सकते हैं मेरे रिमोट पे सोर्स का बटन है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप विदाउट रिमोट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अपने टीवी के पास चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे की साइड में बटन से जो हर टीवी में होते हैं, इसमें से एक पहला वाला बटन जो है वो हमारे यूएसबी ऑप्शन को ओपन कर देता है। तो हम इसे प्रेस करेंगे और इसके बाद हम रिमोट को यूज़ करेंगे। इसे प्रेस कर देता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं, रिमोट के अप डाउन बटन से हम इसकी मदद से उसे यूएसबी ऑप्शन पे लाएंगे और ओके कर देंगे। और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे मैंने अपना पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर दिया है, ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ भी एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो बहुत से लोगों को सोर्स के बटन का प्रॉब्लम आ रहा था, तो यह उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है। आप टीवी पे देख सकते हैं, उसका बटन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना के दे दूँगा। तो ठीक है गाइस, हम वापस बैक लेते हैं। अभी हमें वापस रिटर्न जाना है, तो हम वहीं से रिटर्न जा सकते हैं। मैं वापस उसी बटन को दबाऊंगा। आप देख सकते हैं, मैं इसे पास से दिखा देता हूँ। ये वाला ऑप्शन है, हम इसे वो क्लिक करेंगे और फिर रिमोट की मदद से हम एवी, मतलब मेरा सेट टॉप बॉक्स है इसलिए मैं एवी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एवी नाम का ऑप्शन है। तो मैं अभी इसे सेलेक्ट कर लूँगा, जिससे मेरा सेट टॉप बॉक्स फिर से ऑन हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।